बंटी, तुम इस वक्त पूरे शहर के लिए खतरा हो, समझ गए कि नहीं? लेकिन इसका कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव आया था। लॉकडाउन की 15 बार खिलाफ वर्जी कर चुका है ये, पागल हो चुका है अब। पागल मत कहो मुझे, तुम लोग खुद तो पेट भर के खा लेते हो, लेकिन एक भूखे को पागल मत कहो। तो तुम चाहते क्या हो? मुझे खोलने दो, मुझे खोलने दो, मुझे मेरी दुकान खोलने दो। दुकानें या तो सारी ही खुलेंगी या फिर एक भी नहीं खुलेगी। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी दुकान खुले। लेकिन आपको इतनी हमदर्दी क्यों है भट्टी से? क्योंकि मैं इसकी दुकान का मालिक हूँ, पिछले 2 माह का किराया रहता है इसका। कुछ दिन और सब्र कर लो भट्टी। अरे एक दिन भी सब्र नहीं करूँगा, भूख से मर रहे हैं मेरे बच्चे, तुझे तेरे किराए की फिक्र है। दुकान खोलूंगा मैं, दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकता। पागल हो गया ये। दुकान वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन दुकान के लिए जो पागल हो जाए, ऐसे दुकान वाले को आज पहली बार देखा है। चारों तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है। इस्माइल भट्टी कलाट डिपो वाले ने लॉकडाउन की 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, बल्कि 140 बार खिलाफ वर्जी की है। वो अब एक संगीन मुजरिम बन चुका है और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए उसे अटक किला में मुंतकिल किया जा रहा है। अगर आप लोग लॉकडाउन को कुछ दिन सीरियस लेते, अपने घरों में रहते, तो नौबत यहाँ तक ना आती। रौनक बहुत याद आती है, रौनक बहुत याद आती।